व्हाट्स अप गाइस, केविन हियर। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे टिप्स जिसकी मदद से आप अपने परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स को ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। बट उससे पहले आपको परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन स्केल के बारे में जानना होगा। इसमें मेनली चार कैटेगरीज होती हैं जिसकी मदद से आप अपनी परफ्यूम की कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लो कॉन्सेंट्रेशन कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो नंबर वन इज हफा। इस कैटेगरी में यही सबसे ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एंड थिकेस्ट परफ्यूम्स होते हैं। नंबर टू इज उदय परफ्यूम यानी EDP, मे बी इसके बारे में आप जानते ही होंगे। एंड द थर्ड वन इज उदय टॉयलेट मीन्स EDT। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है एज कम्पेयर टू उदय परफ्यूम EDP। एंड द फोर्थ वन द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज उदय कलोन मीन्स EDC। इस कैटेगरी में यही सबसे ज्यादा लोएस्ट कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम्स होते हैं एज कम्पेयर टू अदर वंस। लेकिन गाइस, इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं बिकॉज नेक्स्ट वीकेंड में इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। सो बी रेडी फॉर दैट। अब बात करते हैं उन टिप्स के बारे में जो बनाते हैं आपके परफ्यूम्स को ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग। सो टिप नंबर वन इज अप्लाई हैवीली, विच मीन्स जब आप अपने परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स को ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो उनकी प्रोजेक्शन एंड लॉन्जिविटी बढ़ने के चांसेस हैं। और मेक श्योर कि आपके परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स ज़्यादा ओवरपावरिंग या ज़्यादा हार्श ना हो, विच मीन्स नाक को चुभने वाले या फिर सरदर्द लाने वाले फ्रेग्रेंसेस या परफ्यूम्स को आप ना यूज़ करें। वैसे टाइप के परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स आपको यूज़ नहीं करना है। सो टिप नंबर टू इज चूज़ द स्ट्रॉन्ग परफ्यूम और डिओड्रेंट, विच मीन्स परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स को परचेस करते टाइम सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स को ही परचेस करें। बट ऐसा नहीं कि उसकी स्मेल ज़्यादा ओवरपावरिंग या फिर हार्श हो, जैसे कि मैंने अभी बताया था। अच्छी स्मेल होने के साथ साथ उसकी फ्रेग्रेंस लाइट भी होनी चाहिए। अनदर थिंग कि जब आप अपने परफ्यूम को हेविली अपने कपड़ों पर अप्लाई करते हैं स्किन के बजाय, उसकी प्रोजेक्शन एंड लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिस इज़ फ्रॉम माई पास्ट ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस। और आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। मेक श्योर कि आप अगर गैस वाले डिओड्रेंट यूज़ करते हैं तो आप अपनी बॉडी पर ही यूज़ करें, आपके कपड़ों पर उसे यूज़ नहीं करना है। अगर आप लिक्विड परफ्यूम्स यूज़ करते हैं तो उसे अपने कपड़ों पर यूज़ करें रैदर देन कि आपकी बॉडी पर, क्योंकि लिक्विड परफ्यूम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं कपड़ों पर रैदर देन कि अपनी बॉडी पर, और गैस वाले डिओड्रेंट्स बॉडी पर अच्छा परफॉर्म करते हैं रैदर देन कि अपने कपड़ों पर। अब आगे बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। सो टिप नंबर थ्री इज अप्लाई परफ्यूम आफ्टर शावर, विच मीन्स अपने परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स को नहाने के बाद अप्लाई करें। नहाने के बाद आपकी स्किन में वाटर ड्रॉपलेट मॉइस्चर रह जाती है, मीन्स नमी की वजह से आपके स्किन के पोर्सेस खुल जाते हैं। इससे होगा ये कि जब भी आप कोई परफ्यूम या डिओड्रेंट को अप्लाई करेंगे आपके स्किन पोर्सेस में, वो परफ्यूम या डिओड्रेंट परफेक्ट अमाउंट में जाकर सेटल हो जाता है, और इससे आपके परफ्यूम या डिओड्रेंट की प्रोजेक्शन बढ़ जाती है। अनदर थिंग कि अगर मैं रिकमेंड करूँ दो ऐसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स तो वो है पार्क एवेन्यू एंड वाइल्ड स्टोन, एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई पार्क एवेन्यू एंड वाइल्ड स्टोन। सो टिप नंबर फोर इज अप्लाई वैसलीन बिफोर अप्लाइंग परफ्यूम, विच मीन्स परफ्यूम या डिओड्रेंट्स को अप्लाई करने से पहले आपकी स्किन पर वैसलीन या फिर किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम को अप्लाई कर लेना है। ऐसा करने से आपकी स्किन पर मॉइस्चर यानी नमी बनी रहती है, और इससे आपके परफ्यूम की लॉन्जिविटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस गाइस। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप लिक्विड परफ्यूम्स को यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि आपके परफ्यूम पानी की तरह क्लियर होने चाहिए, ना कि कलरफुल। मतलब कि आपके परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स उतने डार्क एंड थिक कलर्ड नहीं होने चाहिए। ऐसे परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स को यूज़ करने पर आपके कपड़ों पर दाग धब्बे बन सकते हैं, जिन्हें निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। सो मेक श्योर कि आपके परफ्यूम्स पानी की तरह क्लिस्टर क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं फाइनल टिप के बारे में। टिप नंबर फाइव इज कीप योर परफ्यूम्स इन डार्क, विच मीन्स हमेशा आप अपने परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स को डार्क प्लेसेस में स्टोर कर रखें। ऐसा नहीं कि आप अपने परफ्यूम को डार्क प्लेसेस मतलब बाथरूम में या फिर उसी के कोने में रखें। आपको ऐसा नहीं करना है। जहाँ आपका वार्डरोब या कबर्ड है, मतलब कपड़ों की अलमारी आपकी जहाँ है, उसमें आपको प्रॉपरली आपके सभी परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स को स्टोर करके रख देना है। इससे होगा ये कि जब एक परफ्यूम को डार्क प्लेस में रखा जाता है तब उसके अंदर टूटा हुआ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दोबारा से बनने लगता है, यानी वो रीजनरेट करने लगता है। अभी फिलहाल इस टॉपिक के ऊपर मैं उतना डिटेल में बात नहीं करूँगा, लेकिन गाइस इस टॉपिक पर भी मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो रिलीज करने वाला हूँ इन फ्यूचर। सो बी रेडी फॉर दैट गाइस।
जितने भी बार मैंने डिओड्रेंट्स वर्ड्स यूज़ किया है इस वीडियो में वो सभी लिक्विड परफ्यूम्स है, गैस वाले डिओड्रेंट्स को मैंने मेंशन नहीं किया है। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक। इट्स केविन सैम रॉय, पीस।